तो बेसिक टर्म देखे थे, पहला तो बेसिक टर्म था उसको हमने बोला था मेटर, दूसरा बोला था लिगेंड, तीसरा मिला था कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल का मतलब वो होता है जो एक्सेप्टर का काम करेगा। एक्सेप्टर के लिए कंडीशन क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है डोनर का काम करेगा। डोनर का काम करने के लिए उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। लिगेंड में हम ये भी देख सकते हैं कि डोनर एटम जो रहेगा वो किसका काम, कौन डोनर एटम का काम करेगा। एग्जांपल बताया था NH3 इज अ लिगेंड बट नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि कौन डोनर एटम का काम करेगा और कौन लिगेंड का काम करेगा। लिगेंड होगा तो ही डोनर एटम पॉसिबल है। थर्ड टर्म वॉज कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स में जितने वो बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। लिखो मत इधर करते हैं, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो बनता है दो लोगों से, इसकी वजह से ये बनता है दो लोगों से, एक होता है मेटल दूसरा होता है लिगेंड। लिगेंड्स का क्वांटिटी कितना है वो नहीं पता, इसलिए यहाँ पे लिख दिया एन। क्या लिख दिया एन, समझ में आ रहा है। तो किसी ने पूछा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो एक डोनर सॉरी डोनर रहेंगे कुछ और एक क्या रहेगा एक्सेप्टर, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में मेटल और लिगेंड दोनों को साथ में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो रहेंगे वो तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले और तीसरे नो चार्ज। तो तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सपोज हम यहां लिखते हैं Fe NH3/6 ओवरऑल चार्ज प्लस 2। यहां लिखा मैंने Fe CN/6 ओवरऑल चार्ज माइनस, और यहाँ लिखते हैं ओवरऑल चार्ज -4 ओवर, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ FeCO/4, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे तो मेटल कौन है Fe, लिगेंड कौन है NH3, कितने लिगेंड है तो इसको Ml6 लिगेंड 6 है ना, ओवरऑल चार्ज कितना है ऐसे भी लिखता है। इसमें मेटल कौन है लिगेंड कौन है कितने हैं, इसको लिखेंगे Ml6 ओवरऑल चार्ज -4, सही है। इसमें लिगेंड कौन है लिगेंड, मेटल कौन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Ml4 ओवरऑल चार्ज 0, सही है। तो कटायन को तीन पार्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, किसके हिसाब से चार्ज, इसका चार्ज मेटल का चार्ज या कॉम्प्लेक्स का चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज भी हो सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, कितने टाइप के हैं, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लिगेंड सेम टाइप के हो, लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे छह के छह लिगेंड सेम है, ऐसा भी हो सकता है चार लिगेंड सेम हो और दूसरे दो लिगेंड सेम हो, या तो तीन तीन भी हो सकता है, या तो 3-2-1 भी हो सकता है, या तो 2-2-2 भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि लिगेंड जो रहेंगे वो हमेशा सेम हो, लिगेंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को तीन तरीके से क्लासिफाई किया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ किसका कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। समझ में आ गया। किसी ने पूछा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स इज अ मेड अप ऑफ मेटल एंड लिगेंड, कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मेटल एंड लिगेंड, और कितने टाइप है, तीन।
शुरू है ना। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये था क्लासिफिकेशन नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ, इधर ध्यान लिखना नहीं है, नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल। इफ किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल है तो उसको बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? मोनो न्यूक्लियर। दो रहेंगे तो ट्राई न्यूक्लियर, तीन रहेंगे तो सिंपल सा रहा है। इनका काम कुछ नहीं आएगा, बस बता रहा हूँ मैं आपको। इनकेस किसी ने पूछा मोनो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है तो क्या बोलेंगे? एक ही मेटल। दो मेटल रहेंगे तो ट्राई न्यूक्लियर, तीन रहेंगे तो, और बहुत सारे रहेंगे तो पॉलीन्यूक्लियर। क्या बोलेंगे? बहुत सारे रहेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर। इनके एग्जाम्पल सभी ने लिखना है, बाद में चैप्टर एन समझ में आ जाएगा। ये सभी अभी पढ़ाते बैठे थे तो बेसिक नाम थोड़े हो गए, चैप्टर ही हो गया।
ठीक है, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक किसको क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक किसको, होमोलिप्टिक किसको। सपोज यहाँ लिखा मैंने Fe Cn by 4 Cl2 ओवरऑल चार्ज माइनस 4 कौन से कौन से, यहाँ पे कौन है Cl और यहाँ पे कौन है Cl2, समझ में आ रहा है right. डिप्रेशन के साथ लिखना है। The complex in which only one types of ligands are present, that is called as homoleptic. Different types के रहेंगे तो उसको बोलेंगे heteroleptic. अब मैं इसको दो तरह से दे सकता हूँ,
ये टू या तो इसका मतलब होता है कि टू के लिए भी है और ब्रैकेट के लिए भी है, समझ में आ गया। इसलिए ये टू हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम के का टू यहाँ लिखेंगे, मतलब इसका टू यहाँ लिखेंगे तो इसका भी टू ये आना चाहिए। दैट इज द रीजन कि हम टू को पैरों के नीचे जो लगते हैं लेफ्ट साइड में टू में, समझ में आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो कटाई नहीं था अनाई नहीं, और ये वाला पार्ट कौन सा कटाई है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है तो कटाइन वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और एनायन वाला पार्ट हमेशा राइट साइड में होता है। तो इसके बाद लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखेंगे तो पहले कटाइनिक पार्ट को लिखेंगे, बाद में एनायन को, समझ में आ गया। अब ये इसका काम क्या है, न्यूट्रलाइज करना, इसका काम क्या है पक्का। तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो नंबर 6 लिख देना, काउंटर आयन, तो बोलेंगे काउंटर। तो काउंटर आयन का काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करना। तो यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, कितने Cl, तो Cl2 नहीं बोलना। यहाँ पे कौन है, Ke2 नहीं बोलना, एक के ऊपर प्लस वन, दो के ऊपर प्लस, समझ आ गया, नहीं समझा। सपोज हम यहाँ लिखते हैं तीसरा कॉम्प्लेक्स मेटल Mn4 ओवरऑल चार्ज प्लस 3, बताएंगे क्या है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए काउंटर आयन चाहिए, कटाइन एनायन, माइनस वन वाला है तो कितने, सपोज Cl- यूज किया तो क्या लिखेंगे, Cl या Cl3, कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्यों, क्योंकि कटाइनिक है तो कटाइनिक हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड, और एनायनिक कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड में। तो ये बन जाएगा Cl3, समझ आया, नहीं समझा, क्लियर है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है Fe, यहाँ लिखा हुआ है H2O by 6, इसको क्लोज करके यहाँ लिखा हुआ है Cl2, ठीक है, ओके। तो आपको ढूंढना क्या है वो बताता हूँ, मेटल कौन है वो ढूंढना है, लिगंड कौन है वो ढूंढना है, लिगंड का क्वांटिटी कितना है वो ढूंढना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है मेटल का, और काउंटर आयन कौन है वो ढूंढना है। बिना पेन पेंसिल पकड़े 30 सेकंड में सोचना है, आवाज किसी का नहीं आएगा। मेटल लिगंड कौन है, लिगंड कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेटल का, और काउंटर आयन कौन है, सही है, काउंटर आयन कौन है, कितने काउंटर आयन है, दो, सही है। सीएल के ऊपर चार्ज, कितने सीएल है, दो, कितना हो गया, इसको निकाल दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, सही है, अब क्लियर है, ठीक है। अभी है नहीं लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक H2O का चार्ज तो चार्ज छह का, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेटल मिल गया कौन सा है Fe, लिगन मिल गया H2O, लिगन कितने हैं छह, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2, और काउंटर आयन कौन है, 2Cl- कौन है, समझा नहीं समझा, क्लियर है। ये कटाइनिक है एनायनिक है, कटाइनिक, काउंटर आयन को निकाल दे, कटाइनिक एनायनिक, ठीक है, तो कटाइनिक रहेगा या एनायनिक ये देखना है तो काउंटर आयन को निकाल के देखो, तो समझ में आ जाएगा। होमोलिप्टिक हेटरोलिप्टिक, मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। मेटल कौन है,
लिगेंड्स कौन है? H2O का चार्ज जीरो, NH3 का जीरो, Cl का -1। H2O कितने हैं? 3। NH3 कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 1। ओवरऑल चार्ज -1 जीरो जीरो। ये +1 आएगा तो ये कितना रहेगा? +2। सही है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2। होमोन्यूक्लियर होमोलेप्टिक मेटोलेप्टिक मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर काउंटर एम कौन है? और कितने एफ है? लिगेंड्स कितने हैं? कितने हैं? छह। कितने टाइप के हैं? तीन। समझ में आ गया? इसको बोलते जाना फंक्शनल क्लास। ये के पास बाकी दो बात बाकी है, एक आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा और दूसरा नेम क्या रहेगा वो हम बात करते हैं। बस इतना सफिशिएंट है। क्लियर हो गया? तो पहले क्या बताया? कोऑर्डिनेशन शियर। उसके बाद क्या बताया? काउंटर एंड का मतलब सर काउंटर एंड और ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेशन में वैलेंस में लेके एक्साइटेड वाले ग्राउंड स्टेट से सीएल तो माइनस वन ही होता है ना। सिंपल आता है काउंटर एंड में कोई कर दीजिए सिंपल आते हैं एल्युमिनियम सोडियम क्लोरीन क्लोरीन ऐसे डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड अभी सिंपल रखो उसको फिलहाल। कॉपी करने से अच्छा है तो समझाए वो लिखो दैट विल बी गुड। काउंटर एन और कोऑर्डिनेशन एंट्री कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है जो लिगेंड
एक ही टाइप के एक ही एटम से बने हैं, एक ही एटम से, उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लिगंड एक से ज्यादा एटम से बने हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा CrOH/6, मैं लिखूंगा CrOH/6, क्योंकि OH जो है इसमें एक से ज्यादा एटम है और इसलिए हम उसको लिखेंगे OH/6। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? सपोज मुझे CN लिखना है तो मैं लिखूंगा CN/S। क्लियर हो रहा है ना? नहीं समझा? तो हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको, ब्रैकेट के बाहर उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन से। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आयु के इकोनॉमिक लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर से देख लेंगे। नंबर ए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नाम सुना है कभी? इस तरह से पता है नाम अलग है कहाँ हो रही है कौन सा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, क्या होगा? यहाँ पे एक मेटल होगा, यहाँ से एक लिगेंड ने बॉन्ड बनाया, यहाँ से दूसरे लिगेंड ने बॉन्ड बनाया, लीनियर है ना, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा मेटल, ठीक है, यहाँ से रहेगा एक लिगेंड, यहाँ से रहेगा दूसरा लिगेंड और यहाँ से रहेगा तीसरा लिगेंड, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल लिगेंड। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल लिगेंड, ठीक है। CN4 तो यहाँ पे रहेगा मेटल, यहाँ से रहेगा एक लिगेंड, यहाँ से रहेगा दूसरा लिगेंड, यहाँ से रहेगा तीसरा लिगेंड, यहाँ से रहेगा चौथा लिगेंड। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? कितने हैं? चार। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव, मेटल, दिस इज वन लिगेंड, दिस इज सेकंड लिगेंड, दिस इज थर्ड लिगेंड, ये है ट्राइगोनल प्लैनर। कितने लिगेंड बाकी है? दो। ये कहाँ पे रहेगा? ऊपर। दूसरा कहाँ पे रहेगा? नीचे। एक्जेक्टली TCL5 जैसे। तो यहाँ पे रहेगा एक लिगेंड और यहाँ से रहेगा दूसरा लिगेंड, ठीक है, और ये इसके साथ ऐसे अटैच करेगा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, सेंटर में रहेगा मेटल, कितने लिगेंड है? एक लिगेंड यहाँ से, दूसरा लिगेंड यहाँ से, तीसरा लिगेंड यहाँ से, चौथा लिगेंड यहाँ से, कितने हो गए? इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पैनल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर पैनल। बचे कितने? दो। एक रहेगा ऊपर और दूसरा रहेगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर। ऊपर में एक पिरामिड है, नीचे में एक पिरामिड, नाम क्या रहेगा? स्क्वायर बाय पिरामिड। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाय पिरामिड। और इसको कॉमनली कहा जाता है ऑक्टेंगल, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड, इसको बोलेंगे लीनियर, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिड, सॉरी इसको बोलेंगे। दो बातें आती है, एक आती है टेट्राहेड्रल और दूसरा आता है स्क्वायर प्लैनर। अब प्रश्न में किसे पता चलेगा? दोनों में फर्क देखो, स्क्वायर प्लैनर में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का, देखो 90 90 90, और टेट्राहेड्रल में होता है 109.5 डिग्री का। अबे किससे पता चलेगा? जब चार बॉन्ड बनाए,
एक उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, एक उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो वो स्क्वायर पेयर। कहां से पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन? बोले फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग, 11th में नहीं पढ़ा था। 11th में sp2 sp3 sp3 डी पहले नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम यहां पढ़ेंगे हम लोग। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2, इसका sp3 और dsp2 चार हो गए ना ऑर्बिटल हाइब्रिड चार। इसका sp3d, इसका sp3d2, ठीक है। तो इतने रहेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है। यह था नंबर एक। नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। Classification of ligand, capital A, on the basis of density, DENT,
plus on the basis of density density capital P on the basis of charge capital C special type of ligands special types of ligands ठीक है कॉपी क्लोज करो ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डेंट का मतलब होता है क्या है डेंटल मेंटल है डेंटल दांत खाने के दांत निकालने के दांत तो यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब वही होता है दांत यहाँ पे दांत का मतलब वो नहीं होता यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे NH3 तो एक लिगंड एक मेटल के साथ एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना सकता है उसको बोलते हैं डेंसिटी एक बात का ध्यान रखना है इफ किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है इफ किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एट अ टाइम वो एक ही लोन पेयर को यूज करके बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं H2O तो दिस इज O attached to H with lone pair and with lone pair. कितने लोन पेयर ये डोनर का काम कर सकता है और कितने लोन पेयर दे सकता है लेकिन एक मेटल के साथ एक ही लोन पेयर देगा तो इन किसी पर्टिकुलर एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है या एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है फिर भी वो एक मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इतना एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उससे ज्यादा नहीं बनाएगा अब इसमें NH3 एक NH3 के पास कितने लोन पेयर है कितने डोनर एटम है तो कितने बॉन्ड बना सकता है तो इसका डेंसिटी कितना रहेगा वन डेंसिटी कितना रहेगा वन सपोज और यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ NH2 अटैच टू NH2 इसके पास क्या लिगेंड का काम करेगा किसकी वजह से तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है सही है अब दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर तो दोनों में डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन और यहाँ पे प्रेजेंट है मेटल तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाए दो यहाँ पे एक लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाया एक समझ में आ रहा है अब मैंने बोला एक अमोनिया ने एक बॉन्ड बनाया तो चार अमोनिया चार छह अमोनिया और छह अमोनिया जब छह बॉन्ड बनाएंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा सिक्स इसको बोलते हैं हाइड्रोजाइन क्या बोलेंगे हाइड्रोजाइन इस हाइड्रोजाइन का एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है पूरा मॉलिक्यूल मतलब लिगेंड और जो एटम दे रहा है जो लोन पेयर दे रहा है वो डोनर एटम तो ये पूरे मॉलिक्यूल जो है वो किसका काम करेगा लिगेंड तो एक लिगेंड एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा तो तीन लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड छह बना रहा है लेकिन लिगेंड कितने हैं तीन यहाँ पे बॉन्ड छह बना रहा था लिगेंड कितने थे छह इसलिए मैंने आपको बोला था कि लिगेंड्स का क्वांटिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वांटिटी सेम होना जरूरी नहीं है इसमें छह लिगेंड छह बॉन्ड बनाएंगे इसमें तीन लिगेंड छह बॉन्ड बनाएंगे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी कितना है वन डेंसिटी टू NH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to NH2 इसके पास लोन पेयर है इसके पास लोन पेयर है क्या ये लिगेंड का काम कर सकता है पक्का
कितने दोनों एटम है? दो, दो। अब यहाँ पे जो है इसका एक यहाँ बॉन्ड बनाया और दूसरा यहाँ बॉन्ड बनाया, इसका डेंसिटी कितना हो गया? दो, दो, दो। तो एक लिगंड जो रहेगा वो दो बॉन्ड बनाएगा, तो तीन लिगंड, तो लिगंड का क्वांटिटी रहेगा तीन, बॉन्ड्स कितने बनाएगा? इसको कौन सा लिगंड बोलेंगे? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। एक बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेड, दो बॉन्ड बनाएगा तो डाइडेंटेड, तीन बनाएगा तो ट्राइडेंटेड, चार बनाएगा तो, पांच बनाएगा तो, और छह रहेगा तो हेक्साडेंटेड तक होते हैं। मतलब एक ही लिगंड छह बॉन्ड बना सकता है, तो लिगंड एक ही रहेगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा एक। समझ में आ गया? तो ये कौन सा लिगंड हुआ? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? तो इसके हिसाब से पहला रहेगा मोनोडेंटेड, और दूसरा सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ NH2 attached to CH2 attached to NH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to NH2। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पे जो मेटल है इसके साथ यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, कितने हो गए? इसको कौन सा बोलेंगे? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। ट्राइडेंटेड। ये वाला जो लिगंड रहेगा ये कौन सा रहेगा? ट्राइडेंटेड। समझ में आ रहा है? पहली बात, क्या डोनर का काम करेगा? मतलब लिगंड का काम करेगा? पक्का। इसके वजह से 30 सेकंड सोच के बताओ ये एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है एटम? आवाज किसी का नहीं आएगा। एक ही मेटल, जो भी पूछ रहा हूं मैं एक मेटल के साथ। हो गया? नहीं, डाउट है, तो सर डाउट है कुछ सर, दोनों लेटर के पास दो लोन पे है और वो अलग अलग मेटल के साथ बनाएगा तो उसकी डेंटिस्ट्री वन ही कहेंगे या फिर दो कहेंगे? वन बोलेंगे, डेंटिस्ट्री दो बोल सकते हैं लेकिन हम डेंटिस्ट्री एक के हिसाब से देख सकते हैं। एक के हिसाब से एक मेटल को कितना दिया? एक। बस हो गया, हो गया। क्या लगता है? तीन वाले हाथ को बंद करो, दूसरा आंसर है क्या? देखना पड़ेगा सबसे ऊपर सबन का दे रहेगा लग जाएगा बेटा, ठीक है, बंद है वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको लगता है तीन रहेगा हैंड हैंड रेस कर दे। टू वाले वन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या होगा? ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन अटैच टू ओ माइनस अटैच टू ओ माइनस, ठीक है। व्हाट एंगल कार्बन में अप्रोक्सीमेट 120 120 120 ऐसा हो गया, सही है? दिस इज मेटल और ये हमारे लिगंड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मान लेते कि ब्लू वाला ये है डबल बॉन्ड है और ये दोनों नेगेटिव है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, समझ में आ रहा है? अब मेटल यहाँ है तो एट ए टाइम कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है? दो, 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 सही है ना? ठीक है, तो अब ये इधर से बॉन्ड बनाएगा इधर से, तो ये पॉसिबल है ना? इधर से बनाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा और इधर से बनाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके पास है तो डोनर एटम तीन, लेकिन एट ए टाइम एक दो,
दो इसका डेंसिटी कितना हो गया, समझ गए? अरे इधर से बनाओगे उसके दूसरे प्लेन में, उसके पीछे रखें तो तीन रिंग बना सकते हैं। वो जो एटम है उसके सेम प्लेन के अलावा रखेंगे, पीछे रखेंगे हम परपेंडिकुलर वैसे भी रखेंगे तो तीन बॉन्डिंग बना सकते हैं। मतलब इधर में ऐसे ऐसे पीछे से, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे कुछ रखेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर है ना, तो यहाँ से यहाँ खींचना होगा, यहाँ से यहाँ खींचना होगा, यहाँ से यहाँ खींचना होगा, इसलिए यहाँ पे खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो बॉन्ड बनाने के लिए देखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको इस मॉलिक्यूल को तोड़ना नहीं है ना, ये ऐसा होता सपोज ऐसा बेंट तो ये इधर बना सकता है लेकिन बेंट नहीं है वो प्लेन में है इसलिए, ठीक है? तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल का भी कंसेप्ट हल्का सा देख ले अच्छा रहेगा कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है? अब इसको क्या बोलेंगे, दूसरा कौन सा बोला था, चार्ज के हिसाब से, इसके हिसाब से चार्ज, ठीक है? एक आता है एडीटी लेकर के, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, क्या बोला, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है? इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो मैं इसका अपने हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन मैं 6 बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम, इसका रियल स्ट्रक्चर देखो लेकिन मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकूंगा तो आपको समझ में आए टेक्स्ट में भले कैसा दिया हो। इथाइलिन डायअमाइन का नाम आता है इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन इसलिए बोला है क्योंकि जितने कार्बन के डबल हाइड्रोजन है इसलिए, क्या बोला है, इथाइलिन कॉमन नाम है इथाइलिन डायअमाइन। इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे एसिटिक एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एसिटिक एसिड, तो इसके पास कितने एसिटिक एसिड लगेंगे, दो, कौन सा CH3 सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लगेगा CH2C11OH, इसके पास दो हाइड्रोजन है इसको निकालेंगे ये बनेगा CH2 attached to C double bond OH, और यहाँ होगा CH2 attached to C double bond O attached to H, इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका नाम क्या रहेगा, कैसे बनाओ बताता हूं, इथाइलिन डायअमाइन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अमाइन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमाइन, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड साइनाइन, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड है सिंगल, तो इसको बोलेंगे अमाइन, पर टर्शियरी अमाइन है लेकिन है तो अमाइन, इथाइलिन डायअमाइन 1 2 3 4 चार एसिटिक एसिड, तो नाम क्या बनेगा, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसके पास कितने एसिटिक हाइड्रोजन है टोटल, चार, इसने यहां से इस प्लस साइन दे दिया -1 -1 -1 -1 इस प्लस एंड दे दिया तो क्या होगा, क्या निकलेगा, एक एसिड निकलेगा और क्या आएगा, चार्ज कौन सा आएगा -4। अब नाम बोलो पढ़ो, इथाइलिन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसमें दोनों में से एक ही डोनर एटम रहेगा, क्यों अभी रीजन बताया था मैंने, क्योंकि इसका एंगल कितना आता है 120, तो दोनों कैसे रहेंगे अपोजिट, तो यहां से कितना बॉन्ड बनाएगा, एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, कितने हो गए, और इसलिए इसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्या कहा जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड।
ये अकेला जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ETDA ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है ऊपर में 2 नाइट्रोजन और बाकी नीचे, तो सेंटर में जो रहेगा उसके साथ ऊपर वाला भी बनाएगा और यहाँ से भी बनाएगा, ठीक है। तो ये था किसके हिसाब से, डेंसिटी। दूसरा आता है चार्ज के हिसाब से, क्या लगता है बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, कैसे हो बता दो, NH2 अटैच टू NH2 क्या ये लिगेंड का काम करेगा, किसकी वजह से, कितने नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम कितने हैं, तो बॉन्ड कितने बनाएगा, पक्का इसने H प्लस एन गेन करके NH3 बन गया, प्लस हो गया। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो लिगेंड है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा है, मैंने बोला था चार्ज ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा है, है प्लस, फिर भी वो काम किसका कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन डोनर का काम ये नहीं कर रहा है, डोनर का काम ये कर रहा है, हमको ये देखना है कि वो लिगेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लिगेंड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, बट जो डोनर एटम का काम कर रहा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं MO+1 पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, NO पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इसके पास लोन आइटम है, कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब कौन देगा, है उसके पास, अरे डोनर एटम है कि नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ओवरऑल चार्ज कौन सा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स भी किसका काम कर सकते हैं, लिगेंड का काम कर सकते हैं, तो पहला था क्लासिफिकेशन डेंसिटी के हिसाब से, कौन कौन, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इसके ऊपर लिखा है, चार्ज के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, समझ में आ गया, 98% या तो नेगेटिव होते हैं या तो न्यूट्रल, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, उसमें से एग्जांपल ये बता दिया, दूसरा एग्जांपल ये बता दिया, ऐसे ही एक होता है NO2+1, तो ये भी किसका काम करता है, पॉजिटिव का, लेकिन है तो पॉजिटिव लेकिन काम किसका करेगा, लिगेंड का।